मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट डी डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता खुशियां दे सुख बख्शे। अगर आपने गौर से देखा हो तो भोलेनाथ के शीर्ष पर चंद्रमा सुशोभित होते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का चंद्रमा से क्या संबंध होता है? तो आज हम चंद्रमा से जुड़े रहस्यों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके साथ और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। चमकते चांद की तरह कैसे चमकेगी आपकी किस्मत? कुंडली के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए चंद्रमा को कैसे करें मजबूत? जीवन में आने वाले संकटों को कैसे रोकेगा चंद्रमा? क्या चंद्रमा की वजह से आपकी सफलता रुकी हुई है? आज गुरुदेव, आज हमारा जो स्पेशल एपिसोड है वो चंद्रमा पे है, तो शुरुआत भी चंद्रमा से ही कर लेते हैं कि चंद्रमा का हमारी कुंडली से क्या संबंध होता है। बेटा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान में जो भी बसता है वो सनातनी है, और जो सनातनी है वो भोलेनाथ उसका स्वरूप, उसकी कृपा, उसकी सोच, उसके कर्म से दूर रह ही नहीं सकता। आप भोलेनाथ का जब स्वरूप देखते हैं तो आप क्या देखते हो कि एक ऐसा भगवान सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने कोई सोने चांदी के वस्त्र नहीं धारण किए हुए, हाथों में अंगूठियां नहीं है, शस्त्र के नाम पे साइड पे एक भाला तो जरूर रखा हुआ है, त्रिशूल जरूर रखा हुआ है, लेकिन और कुछ नहीं, लेकिन उनके गले के अंदर सर्पों की माला है, कंठ नीला है, जटा है, जटा से गंगा मैया बह रही है, समझे, और चंद्रमा सर पे विराजमान है। अब चाहे गंगा मैया हो, वो भी चंद्रमा है, और चंद्रमा स्वयं जो कुछ कलाओं के हैं वो उनके मस्तक पे वो विराजमान है। तो अब ये भोलेनाथ का स्वरूप यानी कि चंद्रमा समझा क्या रहे हैं? समझा ये रहे हैं कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा होगा, जैसे हम ये कह सकते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखें कोई तो इस धरती पे जिन्होंने अवतार लिया श्री कृष्ण जी, जो 16 कला संपूर्ण थे, चंद्रमा की सारी कलाओं में संपूर्ण थे, ठीक है, तो ये गुण होने चाहिए। लेकिन कैसे? अब जो घर का बड़ा होता है बेटा, वो अगर भोलेनाथ के रूप में रहे, चंद्रमा को अच्छा बना करके चले, तो गृहस्थी बहुत ही बढ़िया चलती है। कैसे? इसका मैं आपको खुलासा करता हूं। जैसे भोलेनाथ का स्वरूप है, आप देखो उनके गले के अंदर सर्प विराजमान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गृहस्थी में रहते हुए दुनियादारी की मुसीबत, परिवार के अंदर किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी की बात किसी को बुरी लग गई, किसी का कुछ हो गया, वो किसी का कुछ थोड़ा लालच नजर आता है कि नहीं ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, किसी का ये त्याग नजर आता है, इन सारी चीजों को जब सुनता है ना इंसान, तो ऐसे लगता है कि मेरे गले में सांप पड़ गए। घर के बड़े का ये हाल होता है, समझे? तो वहां पर ये स्वरूप ये समझाता है कि ये बातें, ये सर्प रूपी बातें तुम्हारे आसपास तो मंडराती रहेंगी, लेकिन अपने कंठ को सदा नीला रखना, यानी कि कोई भी ऐसे कड़वे शब्द, बुरे शब्द अपने मुंह से मत निकालना। बुरी बात जो आसपास के माहौल में हो गई उसके अनुसार कई बार बहुत कड़वा बोलने को मन करता है, लेकिन वो कड़वी बात आपके कंठ तक आते आते अटक जाए, लेकिन बाहर ना आए, वरना गृहस्थी टूट जाएगी, खराब होगी, रिश्ते खराब होंगे। क्योंकि मान लो आसपास में आपका ही भाई बहन, आप ही का कोई बच्चा, आप ही का कोई रिश्तेदार किसी लालच में वश आपको तरह तरह की कहानियां बना करके सुना रहा है और वो समझ नहीं पा रहा, उस वक्त में बहुत आवेश आता है, समझे, लेकिन उस वक्त में ही सहनशीलता अपनाना, समझे। इसी को कहा गया कि भोलेनाथ ने कंठ में विष रखा हुआ है। तो जो घर का आपका बड़ा है या जो भी ये लोग एपिसोड देख रहे हैं, घर के अगर बड़े हैं, उनको सदा अपने कंठ में विष रखना चाहिए, समझे। फिर जो घर का बड़ा होता है वो घर वालों की जरूरतों को पूरा करता है,
वो अपने बच्चों की फीसों को, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा, रिश्तेदारी के अंदर खर्च होने वाले जो पैसे हैं उनका ख्याल रखेगा। कहीं बहनों की, बुआओं के यहां शादियां आ गई, वहां पर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देना और बिरादरी में अपनी इज्जत को उठाने के लिए, अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए वहां के खर्चे करेगा। समाज में कोई सामाजिक काम हो रहे, भंडारे हो गए, उनमें कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। यानी कि अपने लिए नए कपड़े भले ही ना सिलवाए लेकिन दुनियादारी के अंदर इज्जत कायम रखेगा। इसलिए जैसे सादे पहन रहा पहन लेता, ऐसा बड़ा होता है घर का। फिर तीसरी बात, ये जो एक तरफ तो चंद्रमा स्थिर है और दूसरी तरफ चंद्रमा गंगा के रूप में बह रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर वक्त दिमाग को ठंडा रख के आपको, अभी अगर बेटे के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ी देर बाद बेटी के बारे में सोचना, जब बेटी के बारे में सोच के हटे तो उसकी बुआ के बारे में सोचना, जब वहां से सोच रहे हो अपने भाई बहनों के बारे में, फिर भाइयों के बारे में वो सोचना, फिर समाज के बारे में सोचना। आज जहां जहां होके आए हो पिछले दिनों के अंदर, जो मोहल्ले में घटनाएं घटी है, हुई है, आपके शहर में हुई है, राजनीति में, उनको भी सब कुछ सोच सोच के अपने दिमाग के अंदर चंद्रमा यानी कि जो अच्छी बुद्धि का मालिक है उनके अनुसार अपने दिमाग के अंदर ही डिसीजन करके रखो और जरूरत पड़ने पे उसे फिर अपने विचार के रूप में गंगा की धारा को बाहर निकालो, समझे? और जो कि बाहर आए तो वो शीतल जल जैसी हो, ताकि आपके विचार शीतल जल की तरह होने चाहिए, गंगा मैया के जल की तरह होने चाहिए, कि उसका जो सामने वाले अनुभव या अनुभूति करे, बेटा जब महसूस करे तो उनको ऐसा लगे कि इस आदमी ने बिल्कुल सही बोला और बिल्कुल तोल के बात बोली और इसमें किसी का अहित नहीं है, किसी का दुख नहीं है, ये आदमी बहुत अच्छा है। तो बेटा ये होते हैं चंद्रमा। और हर घर के बड़े को भोलेनाथ के स्वरूप में ही रहना चाहिए, वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बुद्धिज्म, कोई हो। और इसीलिए भोलेनाथ का स्वरूप सबके लिए है, समझे? और हमारी जात बिरादरी में अलग हो सकती है बेटा, लेकिन अगर देखा जाए घर के अंदर बड़े तो एक ही तरह के होते हैं ना, ठीक है ना, जो सबको माफ करते हैं, सबको चलाते हैं और सबके लिए सही फैसले लेते हैं। ठीक इसी तरह से चंद्रमा की बाकी सारी नेचर है। चंद्रमा अच्छा होने का स्वरूप तो मैंने आपको दे दिया कि ये भोलेनाथ का स्वरूप है, लेकिन जब ये खराब होते हैं तो क्या होते हैं? इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। बिल्कुल विपरीत कैसे? ऐसे इंसान की सोच विचार में धैर्य नहीं होता, उनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए और उड़ते उड़ते चलते हैं। जिस चीज के बारे में पूरा सीखा नहीं हुआ था उनको कहते हैं हाँ हमें आती है, करने जाते हैं तो फेल होकर के पैसा गवा के आते हैं, कमा के नहीं आते। कई बच्चे आपने देखे होंगे कि अपने घर वालों के कितनी जगह पैसा लगा करके कितनी जगह बेकार कर देते हैं, वो क्या होता है? वो चंद्रमा की खराबी। कई बच्चे आपने देखे होंगे शुरुआत में, तो माँ बाप भी आजकल के मॉडर्न जमाने के माँ बाप है इन बातों से खुश हो जाते हैं कि अपने बच्चे के संबंध, कभी ये गर्लफ्रेंड बना रहा है, कभी वो दूसरी दोस्त बन रही है, कभी तीसरी दोस्त बन रही है। ये जिनकी स्थिर बुद्धि नहीं होती ना बेटा, इनका चंद्रमा खराब होता है। और यहीं से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि भविष्य के अंदर ये बहुत नुकसान करने वाला है। अभी इसकी बातों पे खुश मत होइए, इसको रोकिए, समझिए। चौथा, जो बच्चा पढ़ तो रहा नहीं और अभी कह रहा है मैं कमाऊंगा, मेरे तो फलाने दोस्त ने ये वेंचर शुरू किया है, मेरे फलाने दोस्त ने ये काम शुरू किया है, मेरे फलाने दोस्त के पापा ये कर रहे हैं, अगर उनके साथ मैं पैसे लगा दूंगा तो ये कमा लूंगा, ये जितने कर्म है ना बेटा समय से पहले ही करने की जो बच्चा सोचता है, बेटा ये सब चंद्रमा खराबी के। और चंद्रमा अगर खराब हो गया इस तरफ तो ये देता ही है, रिश्तेदारी के अंदर मां, मौसी, मामा, इनके भाग्य को भी बिगाड़ देता है ये चंद्रमा अगर खराब हो तो। ऐसे बच्चे की गाड़ी का एक्सीडेंट भी बार बार होता है, बार बार खरोचे लगती है। आप उसे नई कार या बाइक लेकर के देख लीजिए, उसके बावजूद उसे खरोच लगना, आए दिन खराब होना, कुछ ना कुछ खराबी उसके अंदर वो बन के रहेगी। जिनका चंद्रमा खराब हो जाता है बेटा, उनकी प्रॉपर्टी के सुख उनको जीवन में नहीं मिल पाते। बाप ने चाहे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हो अगर उसका चंद्रमा अच्छा है, लेकिन बेटे का अगर खराब हो गया तो ऐसी अवस्था के अंदर उस प्रॉपर्टी को संभालना कैसे है, उससे जो फायदा आ रहा है उससे लगातार वो फायदा बना के कैसे रखना है, ये बच्चे की समझ में नहीं आता।
बच्चा फिर बाप के खिलाफ एक ऐसी प्लानिंग करता है कि अच्छा ये बेच देंगे तो वहां लगा देंगे, अरे वहां किराएदार रखे हुए उनसे क्या मिलना है, वहां पर हम ये गोदाम बनाते हैं या ये चीज करते हैं तो उससे ये हो जाएगा। इस तरह के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आपस में खड़ी रहती है, समझिए। और ऐसा बच्चा हमेशा पैसा लगाने के बारे में सोचता है, बिना लगाए कमाया कैसे जाए उसकी समझ ही नहीं होती, धैर्य नहीं होता। आपने देखा होगा कई लोग इतने कंजूस होते हैं कि अमीर होने के बावजूद दो दो रुपए बचाते हैं, और एक गरीब सा किराएदार अगर उन्होंने कोई रखा भी हुआ है तो उसके यहां भी किराया मांगने जाते हैं तो उसकी चाय जरूर पी के आते हैं, समझ गए, और बार बार उसको मजबूर कर देते हैं पैसा देने के लिए, धैर्य के साथ ही करते हैं। ये कंजूसी तो है लेकिन ये चंद्रमा का अच्छापन भी है, समझे। लेकिन इसके विपरीत जिनका भी चंद्रमा खराब होता है, बेटा अगर वो घर पे कार खरीद के लाए हैं तो जब तक वो पूरी रिश्तेदारी को दिखा नहीं देते उन्हें चैन नहीं पड़ता। अगर उन्होंने घर नया बनाया है और उसके इंटीरियर पे कुछ खास करवाया है, जब तक पूरे मोहल्ले पड़ोस दोस्तों को बुला करके पार्टी दे करके अपना पैसा गवा करके उनसे वाहवाह नहीं करवा लेते उनको चैन नहीं आता। और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को मेहनती दिखाने के लिए, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए सारे चाले कर मारते हैं, जेब में भले टका बचे ना बचे, समझिए। चंद्रमा पूरी तरह से खराब हो जाए तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान जितने शनि के काम करता है, चाहे रोड बनाने के, चाहे मकान बनाने के, चाहे मशीनरी चलाने के, चाहे गाड़ी टैक्सी चलाने के, काली वस्तुओं के काम के काम किसी भी तरह के हो, बेटा लोहा और काला रंग और लेबर से करवाने वाले काम इनकी जिंदगी में जहर बन जाते हैं, और ये ऐसे किसी भी काम में जाते हैं उसी में नुकसान, उसी में नुकसान, उसी में नुकसान, यही सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। और ऐसे इंसान की मां या तो देवता होते हुए भी बेटा बहुत दुख पाएगी, कारण कुछ भी हो सकते जीवन में, या उसके दिमाग यानी कि ऐसे बच्चे की मां के दिमाग के कारण घर वाले दुख पाएंगे, उनके स्वभाव की वजह से दुख पाएंगे, और वो भी नहीं तो ऐसी मां शारीरिक कष्ट बहुत पाती है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कारण एक ही होता है कि चंद्रमा पीड़ित है, अलग अलग जगह पे ये अलग अलग सीन बनाते हैं, ठीक है। और यही नहीं, ऐसे बच्चे सारी जिंदगी बस एक ही बात करते हैं कि जब सामने कोई आता है जिसके सामने शेखी बघारनी है तो उसको कहते हैं काम बहुत बढ़िया चल रहा है, और जब वो अकेले में रात को घर वालों के साथ बात कर रहे होते तो वो कहते हैं कर्जे में डूब गए, मर गए, कुछ नहीं बचेगा, ये है वो है ये सारा कुछ, और कर्जे के वक्त में भी वो एक नया काम करने के लिए सोच रहे होते हैं कि यानी कि फिर पैसा कहीं से उठाएंगे और फिर कहीं ना कहीं लगा के फिर डूबेंगे। इतनी बड़ी खराबियां देते हैं चंद्रमा अगर खराब हो जाए। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, साधु संत रहे हैं पिछले, उन्होंने एक बात कही कि अगर कहीं पर भी कोई पेश नहीं चल रही तो परमात्मा की शरण में जाओ, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ। चंद्रमा को अच्छे करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? चंद्रमा को अच्छे करने का सबसे उत्तम तरीका है कि सुबह सवेरे उठ करके आप कम से कम 15-20 मिनट ध्यान में रहें। लेकिन ध्यान लगाने में करना क्या है? कुछ नहीं करना, अपने दिमाग को खाली करो। दिमाग को खाली करने का एक ही तरीका है कि आप जिस भी अपने प्रभु को मानते हैं, जिसको अपना बड़ा मानते हैं, जिसको गुरु मानते हैं वो या भोलेनाथ, बस आप आंखें बंद करके उनका एक चित्र देखना शुरू करो जिसके अंदर वो भी समाधि लगा के ध्यान में और शांत मुद्रा में बैठे। बस ये देखना शुरू करो और सीधे वहां पर ध्यान केंद्रित रखो और 15-20 मिनट ऐसे ही ध्यान को रखो, और जब उठने लगो तो आप इमेजिन करो कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और कार्यों के अंदर कामयाबी का एक तरह का आशीर्वाद दे रहे हैं, समझे। इस तरह का आशीर्वाद लेकर के उठो और उसके बाद धीरे धीरे करके सबसे पहले ये सोचो कि कल मेरे से कौन से गलत काम होंगे जो मुझे आज नहीं करने, किसमें मैंने झूठ बोला, किसमें मैंने दिखावा किया, मुझे इन चीजों से बचना कैसे, सबसे पहले ये सोचो। और दूसरा ये सोचो कि आज मुझे किस कर्म पे निकलना है, किस काम के ऊपर निकलना है जिसको मैं दिखावा किए बिना और झूठ बोले बिना मैं करके आऊंगा, और जो लीगल तरीका बनता उस तरीके से करके आऊंगा। बेटा
इतनी सी एक्सरसाइज पहले 15-17 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखा देगी कि चंद्रमा अच्छे होने लगे हैं। समझे? चंद्रमा बुरे हो जाए तो और भी हजार तरह की मुसीबतें होती हैं। प्रॉपर्टी नहीं बन पाती, घर के अंदर सीलन आती है, घर को कितना भी अच्छा बनाने लगो कोई ना कोई टूट फूट निकल ही आती है, कुछ ना कुछ खराब हुआ रहता है। समझिए, और गृहस्थी के अंदर भी क्लेश, किस किस बाजी, दवाइयों के दौर, ये सब आम होते हैं। और ऐसी अवस्था हो जाए तो बेटा सबसे उत्तम उपाय, इससे फंसे हुए पैसे भी निकल करके आते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर कहीं आपके पैसे मर गए कहीं या फंस गए कहीं तो वो भी निकल के आते हैं। और वो उपाय क्या है, एक स्टील की कटोरी लीजिए, 43 स्टील की कटोरियां लेनी है आपने, और अनार लीजिए, अनार का एक छिलका उतारिए, सारे उसके दाने अलग कर दीजिए, 84 टुकड़े काट लीजिए, काट के उस स्टील की कटोरी में डाल के उसको दूध के साथ भर के अपने सराहने रख लीजिए, और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर जो पीपल लगा हुआ हो उसके अंदर कटोरी सहित रखाइए और प्रणाम करके आइए और मंशा ये मांग के आइए भोलेनाथ से कि भोलेनाथ मेरे घर में सुख शांति समृद्धि लाना, मेरे कार्यों में बरकतें लाना, मुझे वाहन प्रॉपर्टी का सुख देना। और अगर कहीं पैसे अटके हैं तो बेटा उसका नाम लेके ये भी कह सकते हो कि प्रभु हमारे पैसे वापस लाओ। ठीक है, आप इतना सा करके देखिए, भोलेनाथ की पूरी कृपा होगी। लेकिन जब तक ये दिखावे की लाइफ आपके जीवन में चल रही है, जब तक ये झूठ मूठ का बड़ा रईस बनने की आपके अंदर आदत चल रही है, स्वयं भोलेनाथ ही आपको अमीर नहीं बनाने वाले, क्योंकि चंद्रमा खराब है। अमीर बनेगा ही वही जो इन सारे चक्र से निकल जाएगा और सात्विक और सहजता की बुद्धि से अपने कामों का जब निपटारा करने लगेगा, तब इंसान अमीर बनेगा। और दिखावे में तो पल्ले पल्ले से जाना है बेटा, कुछ आना तो है नहीं। तो इसीलिए इस दुनिया के अंदर जितने चोर हैं, ठग हैं, दिखावा करते हैं, बातों के जाल में उलझा करके पैसे कमाते हैं, बेटा आज तक किसी को अमीर देखा है क्या? कोई नहीं बनते, बस यही करते हुए जीवन गुजारते हैं। तो इसीलिए यहीं से शुरुआत करो, अपने आप को अमीर बनाओ, भोलेनाथ की कृपा पाओ, लेकिन मानसिकता अच्छे वाली रखें। खुश है। इससे पहले आगे बढ़े गुरुदेव, हमारे साथ एक लाइव वीडियो कॉलर जुड़ गई हैं, हमारे साथ सिमी जुड़े हुए हैं। नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम सिमी है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं अपनी कजन दिवांची के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसकी जन्म तिथि 5 अक्टूबर 2006 है, रात 9:47 पे, जन्म स्थान दिल्ली है। मुझे इसके कैरियर, स्टडी और फ्यूचर के बारे में जानना है। बेटा जिस बच्चे की तुमने डेट ऑफ बर्थ दी है, इसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित है, और जब चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित होता है तो ये एक तो घर के अंदर की सुख शांति संबंधि इसके लिए खराबी कहला देता है, ऊपर से शनि देव की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, जो पिता को आए दिन दुख तकलीफें या उनके सुख में ही कमी कुछ न कुछ ये तारा करता है। फिर ऊपर से शुक्र केतु का मेल चौथे घर के अंदर बैठा हुआ, घर की मन की सुख शांति का खराब होना और शादी के बाद मैरिड लाइफ के सुखों के लिए भी दिक्कतें बनना, ये चीज। फिर यही शुक्र केतु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, बेटा ये अपने आपको पढ़ने भी ढंग से नहीं देता और कुछ ढंग से करने भी नहीं देता। लेकिन इसकी कुंडली के अंदर सूर्य, बुध और मंगल की युति कहते हैं कि ऐसा इंसान जो भी काम करेगा पूरे जोर से करेगा, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे। तो ऐसे अवस्था के अंदर अगर हम इसके शुरुआत में थोड़े से उपाय करके चले तो इसके पास से सारे ऐसे काम होंगे जो कि बहुत अच्छे पे रहे और जीवन के अंदर ये अच्छा नाम भी कमा सके, क्योंकि काम करने की ताकत बहुत है। किसी भी चीज को सोच लिया तो उसके लिए कुछ भी कर जाने की ताकत है इसमें। तो ऐसी अवस्था के अंदर कहीं इस खराब शनि की ना चले, इसके लिए शनि के उपाय तो सारी उम्र के हैं इसके। ठीक है, अब करना क्या है? सबसे पहले इसकी कुंडली के अंदर ये चंद्र ग्रहण बना है, तो जब भी चंद्र ग्रहण आए तो उसके लिए बेटा 10 नारियल पूजा वाले और थोड़े से साबुत बादाम लेकर जल प्रवाह जरूर करें। एक तो ये उपाय हर चंद्र ग्रहण के मध्य में करना है। दूसरा उपाय बेटा, हर रविवार को लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला लेके मंदिर की छत के ऊपर डंडा लगा के उनको वहां पर लगा के आए। और तीसरा, कम से कम 27 शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के दान देना। और हर बृहस्पतिवार को बेटा
चने की दाल, वो मंदिर के दाना 200 ग्राम दे दो चाहे 600 ग्राम दे दो। अब इन उपायों से होगा क्या? मैंने जानबूझ के ये लंबे वाले उपाय दिए हैं जो कम से कम साल साल भर चलाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, तो अगर ये धीरे धीरे करके भी अपनी काबिलियत सारी अच्छी करके तो ये बहुत समय है हमारे पास। अगर कोई बड़ा होता तो मैं 43-47 दिन के उपाय देता, ठीक है। इन उपायों से होगा क्या कि शनि और राहु की खराब छटा इसके पास से छट जाएगी, सात्विकता, धैर्य, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा और ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बहुत अच्छा बढ़ना शुरू होगी। जो कि अगर किसी भी तरह की आप इसे ऐसे कोर्सेज करवाते हैं जिसके अंदर की एयरपोर्ट के ऊपर नौकरी हो, कस्टम विभाग में नौकरी हो, या आप इसे पायलट बनाना चाहे, एयर होस्टेस बनाना चाहे, कुछ भी ऐसा जो जहाजों के साथ इसका डायरेक्ट संबंध हो, नहीं तो जहाजों की इंजीनियरिंग ही इसके लिए, वो भी बहुत अच्छा ये हो सकता है क्योंकि पराक्रम में शनि भी है, ठीक है। तो बेटा इस तरह के किसी भी प्रोफेशन में आप इसे डालते हो तो इसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन जब भी मकान बनेगा, रेनोवेशन होगी, इसके स्वास्थ्य और इसकी बुद्धि, इसके ऊपर कोई ना कोई असर आएगा, इसीलिए ये तवा चिमटा अंगीठी वाला उपाय बेहद जरूरी है, ठीक है। ये उपाय करो, परमात्मा की दया से सब कुछ उत्तम होगा और इसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। प्रोफेशनल लाइफ और नौकरी के लिए इसकी कुंडली बहुत बेहतरीन है। खुश रहना। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र। गुरुदेव, आज बात चंद्रमा की हो रही है, तो जो बच्चे जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, खराब होता है उनकी कुंडली में, तो उनके स्वभाव पे क्या कुछ असर पड़ता है, उनके जीवन में क्या कुछ लिखा होता है और किस तरीके से वो अपने इस कमजोर चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं? सवाल अच्छा है बेटा, क्योंकि ये चंद्रमा का जो असर है जी, ये वैसे तो हर ग्रह का ही सीखने से जुड़ा हुआ है, इसीलिए चंद्रमा का क्षय बचपन के ऊपर प्रभाव ज्यादा रहता है, ठीक है। एक बचपन में और एक बुढ़ापे में ही तो चंद्रमा का प्रभाव देखा जाता है। चंद्रमा जिन बच्चों का खराब होता है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डबल माइंडेड होना, कंफ्यूजन में पड़ना और अपने लिए स्वयं डिसीजन ना ले पाना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा जो माँ बाप को आकर के कहते हैं कि नहीं हमने ये करना है और ये डिसाइड कर लिया और ये इस तरह से है, लेकिन कॉन्फिडेंस और उनका ज्ञान, उसके ऊपर माँ बाप को भरोसा भी होता है, यस बोल देते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जिनकी आंखों पर चश्मे भी लगे होते हैं, उनकी आंख में खासतौर पर राइट आई के अंदर बार बार तकलीफ भी आती है, समझे, और बार बार ऐसा बच्चा कंफ्यूजन में पड़ के डबल माइंडेड होकर के माँ बाप के समझाने के ऊपर भी पूरी बात नहीं समझ पाता और समझाने के बावजूद वो ये कहता है कि मैं कैसे करूंगा, ठीक है। ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि ये बहुत जल्दी दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं, क्योंकि अपनी ही प्लानिंग की बुद्धि इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती, कहेंगे धैर्य से अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों के दोस्त अगर खराब मिल जाए तो बच्चा अपने आप खराबी के अंदर डूबता चला जाता है। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे बचपन के अंदर ही बेटा वो ड्रग्स लेने लग जाते हैं या किसी भी तरह के नशे, बीड़ी सिगरेट के अंदर चले जाते हैं, कई बच्चे शराब पी लेते हैं। ये इन बच्चों को बचा के रखना बहुत जरूरी है जिनका चंद्रमा कमजोर होता है। फिर चंद्रमा जिनका कमजोर होता है उनकी कंसंट्रेशन इतनी कमजोर होती है कि वो जब पढ़ने बैठते हैं तो इधर उधर के कई तरह के विचार उनके दिमाग में आते हैं। वो बच्चा ऊपर बैठ के पढ़ रहा है या अपने घर में चौबारे के ऊपर पढ़ रहा है, लेकिन उसके कान बाहर खेल रहे बच्चों के ऊपर होता है, और बच्चा यहां पढ़ रहा है लेकिन घर के अंदर नीचे क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान होता है, यानी कि कभी भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और ऐसे बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो मैथमेटिक के फॉर्मूले हैं उनको समझ नहीं आते, वो रटाफिकेशन करते हैं, याद करते हैं, और याद करके एक ही सवाल अगर याद किया तो वही लिखने के लिए तैयार रहते हैं, उनको लॉजिक नहीं याद होता, समझ गए। और जिसका भी चंद्रमा खराब है बेटा वो लॉजिक से पढ़ाई तो कर ही नहीं सकता, लॉजिक ही करता है, समझिए। चंद्रमा अगर खराब हो गया तो बच्चा ना बैठे बिठाए अपने बिस्तर पे बैठे हुए सोते हुए अपने ख्यालों में गुम रहेगा और ख्यालों के अंदर ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देता है, और उन सपनों के जो जागते हुए देखे जाते उनके प्रभाव की वजह से
ऐसा बच्चा जिंदगी के अंदर कोशिशें भी ऐसी ही करता है कि जिससे जल्दी जल्दी उसको सब कुछ मिल जाए, उसको ब्रांडेड कपड़े मिले, उसको ब्रांडेड चीजें मिले, उसके पास लग्जरी कार हो, समझिए, और ये सारा कुछ हो और दिखावे में जा सके, क्योंकि जो बड़ों की आदत बड़े होके बनती है भाई बचपन से तो डेवलप होती है, यानी कि बच्चा दिखावे में जाना चाहता है, ठीक है। वो जब अच्छा बनके दिखाएगा तो इतना अच्छा बनके दिखाएगा कि उससे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन गहराई से जब एनालाइज किया जाएगा तो पता चलेगा कि जो तो इजी इजी था उसके अंदर अच्छा बनके दिखा दिया, जो मुश्किल है जहां पूरा पूरा ध्यान लगाना था, जहां अकलमंदी से काम करना था, वहां पर वो फिसड्डी सामने आया। तो ऐसे बच्चों की लिखाई पढ़ाई भी नहीं टिक पाती। और अगर इस तरह का चंद्रमा खराब है और आपके घर पे किसी भी तरह का दो रंग का जानवर है जिसका काला और सफेद दोनों ही रंग है, तो बेटा ये उस बच्चे के लिए और खराब साबित होगा। चंद्रमा पीड़ित हो तो दूध देने वाले जानवरों का काम कभी भी नहीं हो सकता, समझे, वो फलते ही नहीं है। लोग अगर वही जानवर रखते हैं तो उनको बहुत फलीभूत होते हैं, लेकिन ऐसे इंसान के घर पे होंगे तो जानवर दूध देने वाले वो नहीं फलते, और ऐसे घर के पैसे भी बेकार होते हैं, घर के अंदर सीलन भी बहुत आती है। तो सबसे पहले अब अगर जानवर रखा हुआ उसे निकाल तो सकते नहीं। अगर ऐसी अवस्था हो तो ऐसे बच्चे के हाथ से 43 दिन जो माथे के ऊपर किसी जो घर पे जानवर रखा हुआ उसका सफेदपन हो तो उसको 43 दिन काली स्याही के साथ काला करते हैं। एक तो ये उपाय बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर ये बच्चे को ये दिक्कत चल ही रही है तो 43 दिन लगातार थोड़ी सी काली स्याही जो लिक्विड वाली होती है, इसकी गोलियां भी मिलती है, पानी मिला के लिक्विड कर सकते हो, ये 43 दिन काली स्याही उसके पास से जल प्रवाह करवा दो ताकि ये बुरापन खत्म हो जाए। और ऐसे बच्चे को अश्वगंधा थोड़ी सी लेकर के, जड़ी बूटी होती है ये, कोई नुकसान नहीं इसका, लेकिन देनी बहुत ही कम है, समझे, आप ये लगा लीजिए कि रोज अगर आप देते हो तो 2 ग्राम से ऊपर नहीं दे सकते, इतनी अश्वगंधा देकर के उसको साथ में, जिससे कि उसका दिमाग ठंडा रहेगा, कंसंट्रेट करने लगेगा। अब यहां पर हमें इसके मित्र ग्रहों की भी सहायता देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तांबे का लोटा लिया, तांबे के लोटे के अंदर चावल भरे और लाल चंदन का लेप लगाया, मंगलवार के मंगलवार उसके पास से हनुमान मंदिर के अंदर रखवाना शुरू कर देंगे, ठीक है, जिससे एक तरह का शनि चंद्र का मेल ना रहे, एक तरह का मंगल चंद्र का मेल बन जाए, और मंगल पढ़ाई लिखाई के अंदर कंसंट्रेशन देता है, बच्चे की बुद्धि को स्थिर करता है, और बच्चे के पास से धैर्य से सारे काम करवा के उसे समझदार साबित करता है। और सबसे उत्तम एक उपाय वो क्या होता है कि चांदी की अंगूठी के अंदर 4-5 रत्ती का मूंगा लगवा करके उस बच्चे को रिंग फिंगर के अंदर बनाता हूं, इससे बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, और ऐसे बच्चे को खास तौर पे नीले और काले रंग से दूर रखना चाहिए। आप ये करके देखो, बच्चे के अंदर अगर कोई इस तरह के अवगुण भी हैं या उसकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, सब खत्म होकर के बच्चा अपने टारगेट्स को अचीव जरूर करेगा। खुश है। इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव वीडियो कॉलर जुड़ी हुई है, हमारे साथ आरती रावत गुरुदेव जुड़ी गई हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। जी आरती, इससे पहले आप अपने सवाल को रखें, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि समय स्थान इसी क्रमांक में बता दीजिए और फिर सवाल पूछ सकती हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम आरती रावत है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 नवम्बर 1987, जन्म समय है 9:35 रात का, और जन्म स्थल है दिल्ली। गुरु जी, मैं 3 साल से अपना काम कर रही हूँ जो इस टाइम पे पूरा डूबा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारा कर्ज हो चुका है और घर वाले मेरी शादी को लेकर भी परेशान है, कृपया करके मुझे इस परेशानी से उबारिए। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि तुम मांगलिक हो, ये तो तुम जानती ही होगी, और चौथे घर के मांगलिक, चौथे घर के अंदर मंगलदेव, 11वें घर के अंदर उनकी राशि और 6ठे घर के अंदर इनकी राशि, इनमें से अगर पॉजिटिव अगर देखा जाए तो सिर्फ एक 11वां घर और बाकी चौथा और 6ठा घर हमेशा जीवन साथी और पुत्र के सुखों के लिए कमजोर पड़ता है, और वैसे भी चौथे घर के मंगल के लिए कहा जाता है कि पति के सुख, कामकाज और लाभ तीनों ही खराब। दूसरी तुम्हारी कुंडली के अंदर कमी,
वो ये कि शनि देव की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा बारहवें स्थान पर। बारहवें स्थान के चंद्रमा को तो यहां तक कहा जाता है कि आदमी इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी गरीब होगा। जब तक इसका इलाज नहीं होता तब तक तो ये चंद्रमा बहुत ही खराबी देने वाले हैं। और चंद्रमा बारहवें में और चौथे घर में मंगल, ये अपने आप में एक योग और बन गया जो कि इंसान को कमाने ना दे, उसकी मेहनत पे मेहनत करवाए लेकिन रिजल्ट ना होने दे। जिसका भला करो उसी से खिलाफत हो, समझे, और तुम जिसकी मदद करोगी वही तुम्हारे खिलाफ खड़े होगा। ये सारी प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है। ऊपर से बुध देव की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर बिजनेसमैन बनाता है, लेकिन खाली मटके जैसा, जिसमें कि सिर्फ हवाई हवा हो, भरा हुआ ना हो। अब ये तीन तीन योग हैं जो तुम्हारे कामकाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, पति के सुख के लिए ठीक नहीं। लेकिन एक और योग सूर्य शुक्र का, इसके अंदर भी कहते हैं पति पत्नी के सुख देरी से और बाद में उनके अंदर भी कुछ खास अच्छा ना रहे, और खास तौर पे अगर लव मैरिज की तरफ गई फिर तो खास तौर पे ये प्रॉब्लम पैदा करेगा, समझे। इसीलिए बेटा इनके उपाय करके चलना बहुत जरूरी है। और वो उपाय क्या है, सबसे पहले 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के जल प्रवाह करो। फिर तीन धातु का छल्ला सोना तांबा चांदी एक एक ग्राम मिलवा के उसे अपनी रिंग फिंगर में डाल के रखो। और तीसरा उपाय है 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उनको जल प्रवाह करना। अब फाइनल उपाय, शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह देख करके ढक्कन को सीमेंट से बंद करना है, और शनिवार की दोपहर को जब सीमेंट से सूख जाए वो साकर तो उसके साथ तीन चार ईंटें बांध के खड़े पानी में छोड़ के आना है। और जब भी तुम्हारा चप्पल या जूता चोरी या गुम हो या घर में बहुत ज्यादा सीलन आने लगे तो हर महीने एक चमड़े की जूती लेकर के बेटा बारो बार किसी गरीब इंसान को दान दे देना। ये उपाय करना बहुत जरूरी है। तुम अपने लिए जब भी चमड़ा या लोहा खरीद के लाओ साथ में खिलौने जरूर खरीद के लाने, इसका खास ख्याल रखना है। और शादी के बाद एक बहुत बड़े परहेज की जरूरत है, और वो ये कि तुम्हें गुड़ खाना छोड़ना पड़ेगा और मियां बीबी कभी दिन के समय में एक ना हो, इसका खास ख्याल रखना। अगर ये हुआ तो बेटा ऐसी अवस्था में चाहे तो जीवन साथी बीमार हो चाहे तुम हो, दोनों में से एक का बीमार होना तय हो जाएगा, आपस में अनसेटिस्फेक्शन फीलिंग चलेगी, और जिसके चलते हुए बेटा आपस में तुम्हारे डिफरेंसेस तक भी क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखना है। और सारी जिंदगी हर जन्मदिन के बाद 43 दिन तीन केले मंदिर के अंदर जरूर दे रहे, इतने से उपाय करके देखो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली के अंदर बिजनेस के योग है तो इसके बाद बिजनेस चलेगा। और ये उपाय हो जाने के बाद में फिर अब तुम्हारी शादी अगले कुछ ही समय में आप देख लेना कि तय भी होगी और दाता की तरफ से सुख भी पाओगे। क्वेश्चन, गुरुदेव जैसे भी आपने बताया कि जिन लोगों का चंद्रमा बहुत मजबूत होता है उनको रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होती है जिंदगी में, लेकिन हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कि अर्श से फर्श पे पहुंच जाते हैं रातों रात, तो उन लोगों का तो चंद्रमा खराब हो जाता है इसीलिए उनकी जिंदगी में इतनी दुख तकलीफ आती है। ये बात तुमने बिल्कुल सत्य कही राजे, इस तरह से खराब करने वाले दो ही ग्रह होते हैं। एक है बुध जो बिन पहनने के लोटे की तरह लुढ़क के इंसान को अर्श से फर्श पे ले आता है, लेकिन कई लोगों का तुमने देखा होगा कि पैसा ही लूट जाता है। कैसे, जैसे किसी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे दिए लेकिन पैसा चला गया, ना प्रॉपर्टी मिली ना पैसा। कई लोग बिजनेस करने के लिए पार्टनर को पैसे देते हैं और पार्टनर सारे पैसे उसी के लगा के उनको खराब करके बाद में अब उनका पैसा भी वापस नहीं देता। बहुत सारी दुनिया आपने ऐसी देखी होगी कि अचानक उसको एक इतना मोटा लॉस होता है कि जिनका वो काम करते हैं वो कंपनी ही भाग जाती है और उनका पैसा दिए बिना। लेकिन ये जो सारी खराबियां हैं बेटा, ये सारी खराबी चंद्रमा की दी हुई खराबियां हैं। और इसके बाद में ऐसा इंसान भरोसे पे किसी को पैसा दे वो नहीं वापस आता, रिश्तेदार को पैसा दे वो नहीं वापस आता, ये भी सारी चंद्रमा की खराबियां हैं। ठीक है, ऐसी अवस्था के अंदर बेटा जब भी आप लोग मकान बनाते हो, रेनोवेशन करते हो, कुछ भी रिपेयरिंग करते हो, बना बनाया मकान खरीदते हो, समझे, या जड़ से ही बनाना स्टार्ट करते हो, तब इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं। क्योंकि लाल किताब के अंदर साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरह का शनि होगा उस तरह का चंद्रमा फल देगा,
और जिस तरह का चंद्रमा होगा उस तरह का शनि फल देगा। ठीक है, तो यानी कि मकान बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, रेनोवेशन करना चंद्रमा के साथ सीधा ही संबंध हो गया। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर शनि के साथ में संबंधित है चंद्रमा या किसी भी तरह से शनि खराब है तो ये चंद्रमा अपने आप बुरा होता चला जाता है। और इसकी एक और बात बनती है कि जब भी इस तरह की खराबी आती है तो इंसान की जुबान में एक कड़वापन, एक तीखापन आता है जिससे कि सामने वालों को बातें भी बुरी लगती है। आदमी का ओवर कॉन्फिडेंस होना ही उसको डुबो भी देता है, समझे, और बहुत ज्यादा भरोसा करना वो भी डुबो जाता है। तो अगर इस तरह की अवस्था हो चुकी है तो मैं अभी जो अनार की कटोरी वाला उपाय बता के हटाऊं कि 43 दिन एक अनार का छिलका लेकर के उसके 84 टुकड़े काटने छोटे छोटे और स्टील की कटोरी में डाल के दूध से भर के अपने सराहने रखें और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर लगे हुए पीपल के नीचे रख के आए। ऐसे लोगों को ऐसा इलाज जरूर करना चाहिए अगर इस तरह की कोई खराबी जीवन में आ चुकी है जो हमने बताई। लेकिन साथ में शनि के उपाय करने बहुत जरूरी है, और शनि को अच्छा करने के लिए सबसे पहला उपाय करना जरूरी है बजाय उसे निकालने के। शनि तभी अच्छे होते हैं जब कुत्ते और कौओं की सेवा की जाए, भैंस की या भैंसे की सेवा की जाए। तो इसीलिए ये अपने रोजमर्रा के नियम में सेवा कर लीजिए। उसके बाद में शनि के दान कि उड़द साबुत पर सरसों का तेल लगा करके हर शनिवार को दान करना। शनिवार के दिन ही सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले सरसों का तेल अपने शरीर पर मल करके बाद में गुनगुने पानी से स्नान करना। इससे क्या होगा, जोड़ों के अंदर के जो दर्द हैं, जो शरीर के अंदर विकार पैदा हो रहे हैं, गुस्सा जो बढ़ रहा है, इन सब में भी बहुत शांति मिलती है बेटा। इसीलिए शनिवार की सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले पहले मालिश करके सूर्य उदय से पहले ही नहाना है बेटा, ये काम करना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल प्रमाणिक उपाय है इसके। और ये करने के बाद चंद्र और शनि मिलकर के आपको सुख देंगे और आपकी दौलत को बिगड़ने नहीं देंगे। आज बात चंद्रमा की हो रही है और तमाम के कारण जाते जाते गुरुदेव से आज का खास गुरु मंत्र यानी चंद्रमा से संबंधित खास गुरु मंत्र लेते जाते हैं। बेटा बात चंद्रमा की हो रही है तो चंद्रमा का तो सीधा संबंध हमारे मन से, हमारे ज्ञान से, हमारे धैर्य से और एक स्थिर मानसिकता के साथ में भी है। ये खराब हो तो ये सब खराब भी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते, नशे में चले जाते हैं, समझे। ये चंद्रमा की सबसे बड़ी खराबी है, इसके बारे में भी हमने जिक्र किया था। फिर दूसरी चीज, जिनके चंद्रमा खराब हो जाते हैं वो इंसान उड़ती हुई जिंदगी, दिखावे की जिंदगी उसके अंदर ज्यादा रहता है। कारण ये कि उसकी सहन शक्ति नहीं होती। लेकिन इसके साथ में ही इसके लिए बेटा ये भी कहा जाता है कि जिनका ये चंद्रमा खराब हो आप उनका टेस्ट करा के देखिए, उनके शरीर के अंदर सल्फर जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है इसकी भी कमी होती है, समझिए। और उन्हीं का चंद्रमा जिनका खराब होता है उनके शरीर में ये कमी पड़ती है। इसको बेटा सदा अच्छा बना करके रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, चंद्रमा की अगर खराबी ज्यादा बढ़ गई तो बहुत सारे बच्चे अपने मन को संभाल ही नहीं पाते, बड़े अव्यवस्थित से जीवन बिताते हैं। उनको जो करने को कहा जाए वो करते तो हैं लेकिन डरते हुए घबराते हुए, ये चंद्रमा की बहुत ही बड़ी खराबी है। चंद्रमा खराब हो गया तो राइट आई पे उसके अंदर भी ये कोई ना कोई दिक्कत दे जाएगा, समझे। और चंद्रमा खराब हो गया तो नजर लगातार वीक पे वीक वो होती चली जाएगी या कॉर्निया की दिक्कत आ जाएगी, समझे, कि कॉर्निया में कोई ना कोई रोग पैदा हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आज गुरु मंत्र में कई तरह के मेरे को गुरु मंत्र देने पड़ेंगे। अगर बेटा आंखों के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत आनी शुरू हो गई और वो लगातार इसके अंदर प्रॉब्लम आती जा रही है और डॉक्टर कह रहा है दवाई भी दे रहा है लेकिन उसके बावजूद ठीक नहीं हो रही, तो एक उपाय जरूर करें और वो क्या है, 43 दिन लगातार सादा पानी नहीं पीना। पानी में ग्लूकोज, चीनी, स्क्वैश, नमक कुछ भी डाल के उसका फ्लेवर चेंज करके पियो। इवन जो सुबह ब्रश करते वक्त में कुल्ला भी करना है ना तो वो भी भले सोडा मंगवा लो, सोडे के साथ में उसका कुल्ला कर लो, लेकिन सादा पानी 43 दिन तक एक बूंद आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। एक तो ये चीज। चंद्रमा अगर खराब है तो सुबह के वक्त में दूध जरूर पियो, लेकिन दूध में या तो हल्दी हो और या दूध में शहद हो,
समझे। देखिए चंद्रमा कितना अच्छा फल देना शुरू करता है, ठीक है। और चंद्रमा अगर आपका खराब है तो सबसे उत्तम उपाय सोमवार के दिन बेटा चावल बनाइए, उनको उबालिए, उबाल के उसके अंदर चीनी मिक्स करिए या गुड़ की शक्कर मिक्स कर, और ये मिक्स करके बेटा आप जाकर के इसको या तो जलप्रवाह करो, और अगर आप जलप्रवाह नहीं कराना चाहते तो ऐसी अवस्था के अंदर पक्षियों के खाने के लिए एक अलग जगह पे रख दो, ठीक है। इससे भी क्योंकि इससे बुध बीच में आ जाएगा और चंद्रमा जिस भी ग्रह के साथ मिलकर के कुछ खराब कर रहा होगा उसके लिए अच्छा फल देना शुरू कर देगा, क्योंकि बुध में बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है। ये चीज अगर किसी की प्रॉपर्टी वगैरह लुट रही हो, पैसे लुट रहे हो, तो ऐसे में अनार की कटोरी का आपको उपाय बताया है। और जो सबसे उत्तम है बेटा, जो मैंने ध्यान लगाना बताया है शुरुआत में, कि जो भी इंसान 15-20 मिनट सुबह ध्यान लगाएगा, अपने बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेता रहेगा, और जिसको झुकने में शर्म नहीं आएगी, जिसको पांव हाथ लगाने में शर्म नहीं आएगी, और पांव हाथ लगाने का मतलब वाकई पांव तक हाथ जाए घुटने तक नहीं, एक बार अपने जीवन में ये नियम लाके देखिए, जिंदगी में सुख चल चल के आपके जीवन के अंदर आएगा। और आप अकड़ अकड़ के जिंदगी चला के देखो, पांव हाथ लगाने में शर्म करके देखो, जिंदगी अस्थिर होती चली जाएगी, अपने ही विचारों में उलझ के रह जाओगे, स्मूथ वे में डिसीजन लेकर के जो पार उतरना चाहिए वो काबिलियत कभी नहीं आएगी, ठीक है। एक तो ये चीज, जिनके भी घर रिपेयर होने हो, कभी भी जिनके भी घर रिपेयर होने हो, घर में सीलन आई हो, उसको ठीक करवाना हो, उससे पहले शनि का दान करना शुरू कर दीजिए, यानी कि उसको ठीक करने से पहले शनिवार से ही, शनिवार के दिन तवा चिमटा या अंगीठी कोई एक चीज लेकर के चलते हुए साधु को दान देना शुरू कर दो। और जब तक ये रिपेयरिंग चले तब तक नहीं, उसके एक शनिवार बाद तक भी बेटा ये दान जरूर करो। और हर सोमवार को दूध, चीनी, खांड, ये शहद, ये सब मिलाकर बेटा मंदिर के अंदर देते रहो, थोड़े चावल भी दे दो, करके देखो। चंद्रमा बहुत अहम है हमारे जीवन में, और ये सारे का सारा हमारी विचार, हमारा मन, हमारे रुपए पैसे समृद्धि, वाहन के सुख, प्रॉपर्टियों, इनसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो इंसान चंद्रमा को अच्छा रखी रखता है उसके जीवन के अंदर ये दुख तकलीफ नहीं आती। इसीलिए हमारे जितने भी गए हुए बुजुर्ग ऋषि मुनि, उन्होंने हमें सिखाया कि मंदिर के अंदर पतासे दो, मंदिर के अंदर मिश्री चढ़ाओ, खीर चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ परमात्मा पे। बेटा ये ऐसे ही नहीं बने रिवाज, ये चंद्रमा को अच्छे करने के ही रिवाज है। तो मंदिरों के अंदर बेटा इस तरह की चीजें पहुंचाओ और भोलेनाथ की कृपा पाओ, हर तरह का दुख घर से दूर रहेगा। गुरुदेव, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और उन्हें लाभ की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे, खूब तरक्की पाओ और सुख पाओ। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, लेकिन कल एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।